दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे होल डायलिंग, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं होल डायलिंग के बारे में वीडियो बनाओ, तो ये होल डायलिंग का अनदर वीडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ होल डायलिंग, और होल का सेंटर भी निकालेंगे हम इसके साथ ही। तो पहले मैं होल डायलिंग करूँगा, उसके बाद में होल डायलिंग होने के बाद में सेंटर भी निकालूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर होल के अंदर हमारे लीवर डायल की एंट्री कर रहा हूँ। आप इसे लीवर डायल कर सकते हैं, या फिर पपेट डायल भी कह सकते हैं, या फिर कोई कोई इन शॉर्ट इसे पप्पी डायल भी कहता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अंदाज से एक अलाइनमेंट देख रहे हैं। हम डायरेक्ट होल के अंदर नहीं डालेंगे, पहले अंदाज से अलाइनमेंट देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा अंदाज आने के बाद में थोड़ा ठोकेंगे। अब जब हमें पता चलेगा कि ये नज़दीक है, तब हम होल के अंदर जाके उसे क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे हायर पॉइंट खोज के। अभी मैंने अंदाज से देखा है कि ये कितना डिफरेंस है, तो मैंने उसे थोड़ा ठोक के क्या किया, मैन्युअली एडजस्ट किया है। अब मैं इसे होल के अंदर क्या करूँगा, प्रेशर दूंगा। आप देखिए ये होल पूरा कटा हुआ है एक साइड से, आप देख सकते हो आईडी ओपन है, आईडी को स्टेप है, तो होल कटा हुआ है। यहाँ पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, पहले प्रेशर देके मैं ज़ीरो करूँगा और बाद में हायर पॉइंट खोजूँगा। अभी ये हायर पॉइंट खोज जाए, मैंने हायर पॉइंट को भी मैं करूँगा पैनल के ऊपर ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल पर ज़ीरो इनपुट करूँगा। अभी एक्स यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। अभी हम देखेंगे दूसरे होल की क्या पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं डायल लेके जा रहा हूँ दूसरे होल की तरफ। तो दूसरे होल में हम डायल की एंट्री करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा डायलिंग कितने में है। तो आप जब भी डायलिंग करो तो आप यही मेथड का यूज़ करो। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी दूसरे होल में भी डायल डाला है, और यहाँ पर भी मैं प्रेशर ज़ीरो करूँगा। तो आपको यहाँ पर प्रेशर ज़ीरो करना है। ज़ीरो प्रेशर करने के बाद में आपको देखना है कि मशीन पर रेटिंग कितना है। तो अभी देखिए यहाँ पर रेटिंग कितना है, -1.16, मतलब ये अभी 1 mm में आउट है। तो अभी और ठोकना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं डायल को बाहर लेता हूँ, थोड़ा डायल बाहर लिया है, अभी बाहर लेके थोड़ा और ठोकना पड़ेगा। तो अभी मैनुअली ठोक रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे मैलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्राइकर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ठोका है अभी, और यहाँ पर ज़ीरो किया है। अब ज़ीरो करके मैं पैनल पर ज़ीरो करूँगा, तो आप देख सकते हो पैनल पर भी मैं अब ज़ीरो कर रहा हूँ, ये ज़ीरो इनपुट हो चुका है। अभी हम जाएंगे दूसरे होल की तरफ, और दूसरे होल में जाके हम चेक करेंगे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो कितने में आता है। तो अभी दूसरे होल की तरफ जाना है, उसके अंदर हम लीवर डायल डालेंगे, लीवर डायल के ऊपर हम प्रेशर ज़ीरो करेंगे, बाद में हायर पॉइंट चेक करेंगे, और हायर पॉइंट को ज़ीरो करने के बाद हम रीडिंग चेक करेंगे कितने में है। तो अभी यहाँ पर ज़ीरो किया है हायर पॉइंट को, यहाँ पर 0.72 दिखाई दे रहा है। अभी मैं डायल थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, डायल थोड़ा पीछे ले रहा हूँ मैं, और ठोक के मैं एडजस्ट करूँगा, 0.7 में आ चुका था ये। तो अभी ठोक के अभी ज़ीरो किया यहाँ पे, पैनल के ऊपर भी मैं साथ साथ क्या कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा इसको। तो अभी मैं थोड़ा ठोक रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ज़ीरो यहाँ पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। अभी पैनल पर मैं ज़ीरो कर दूँगा इसे। तो अभी एक्स में मैं ज़ीरो इनपुट किया है मैंने। अभी हम इसके अगेंस्ट दूसरा होल चेक करेंगे। तो अभी जेड को ऊपर उठाएंगे और दूसरा होल चेक करने के लिए जाएंगे हम। तो अभी मैं सेकंड होल की तरफ जा रहा हूँ, अभी सेकंड होल में एंट्री करेंगे और हायर पॉइंट खोज के वहाँ पे ज़ीरो करेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी इस होल में प्लंजर डायल डाल के, सॉरी पपेट डायल डाल के उसे ज़ीरो करना है। अभी ज़ीरो करके आपको हायर पॉइंट भी सर्च करना है। तो हमें अब यहाँ पर हायर पॉइंट मिला है 0.15, लेकिन अब मुझे उसे ठोकना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, ठोकूँगा 0.05। अभी मैंने प्रेशर ड्रॉप किया है यहाँ पर, मैं ठोक रहा हूँ पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ठोक रहा हूँ। ठोक के मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँगा और फिर मशीन के ऊपर मैं ज़ीरो कर दूँगा। तो अभी ठोका है, थोड़ा सा मैं प्रेशर देके मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पर मुझे हायर पॉइंट मिलता है। तो मैं ये ढूँढ रहा हूँ हायर पॉइंट, मुझे जैसे ही मिल जाए वैसे मैं पैनल के ऊपर उसे ज़ीरो कर दूँगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पर ज़ीरो किया है मैंने, अभी और मैं डायल को ऊपर उठाऊँगा, डायल को ऊपर उठा के मैं दूसरे होल की तरफ जाऊंगा। दूसरे होल में जाके भी मैं उसका हायर पॉइंट चेक करूंगा। कुछ ऐसे दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर करके ठोक ठोक के हमें होल डायल करके ज़ीरो करना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर पॉइंट खोज रहा हूँ मैं, और हायर पॉइंट मुझे मिल चुका है, ये है हमारा 0.12 में। तो 0.12 में आ चुका है हमारा हायर पॉइंट। अभी और थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करके और ठोकना है मुझे। तो मैं थोड़ा सा इसे प्रेशर मैंने कम किया है और ठोक रहा हूँ मैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी और मैं इसे ज़ीरो कर दूँगा, और ज़ीरो करके पैनल के ऊपर भी ज़ीरो कर दूँगा साथ में,
और पैनल पे ज़ीरो करके हम नेक्स्ट होल को चेक करेंगे। ये ज़ीरो किया है मैंने अभी, अभी और जेड को ऊपर उठाएंगे, अभी और दूसरे होल की तरफ जाएंगे और उसमें भी हम चेक करेंगे। हालांकि आपको डबल डायल करना आसान होता है, लेकिन जो हम होल डायल करते हैं तब थोड़ा लिटिल बिट वो कन्फ्यूजिंग होता है या फिर थोड़ा लेंथी टाइम कंज्यूमिंग होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल को डायल कर रहे हैं, नेक्स्ट होल का हम हायर पॉइंट खोज रहे हैं। तो हमें हायर पॉइंट मिलेगा तो हम देखेंगे कितने में आता है। तो पहले तो 0.12 में आया था, अब बढ़ता या घटता देखेंगे। तो अभी 0.9 में आ चुका है, तो अभी थोड़ा कम हो चुका है। अभी थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करके और मैं ठोकूंगा इसको, ताकि हमें कुछ नज़दीक रीडिंग मिल जाए, जितना हमें चाहिए, जितना हमें एक्सपेक्ट है। अभी और मैंने ज़ीरो किया है हायर पॉइंट को खोज के, तो अभी और सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा, हमारे डायल को ऊपर उठा लूंगा और ऊपर उठा के दूसरे होल को मैं चेक करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट होल की तरफ बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट होल में जाके अभी मैं वहां पे भी सेम रिपीट करूंगा। अभी इतनी बार रिपीट करने से आपके भी समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि आखिर चल क्या रहा है, आपके भी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर मैं और एक बार ज़ीरो कर रहा हूँ, हमने पैनल के ऊपर ऑलरेडी पहले होल को ज़ीरो किया है, अभी इस होल को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं प्रेशर देखे, तो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.1। तो और थोड़ा हम प्रेशर ड्रॉप करके एडजस्टमेंट करके ठोक के हम क्या करेंगे, इसे और एक बार ज़ीरो कर लेंगे दोस्तों। तो अभी यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट बढ़ चुका है, क्योंकि पहले 0.9 था, अभी 0.1 बन चुका है। तो अभी मैं थोड़ा इसे ठोकूँगा और ठोक के मैं इसे क्या करूँगा, ज़ीरो करूँगा, हमारे डायल के ऊपर भी ज़ीरो करूँगा और मशीन के ऊपर भी ज़ीरो करूँगा। तो आप देख सकते हैं हायर पॉइंट खोजा है मैंने अभी यहाँ पर, अभी इसी हायर पॉइंट को मैं पैनल के ऊपर ज़ीरो कर दूंगा दोस्तों। ये मैंने ज़ीरो किया है, अभी हम क्या करेंगे, दूसरे होल की तरफ जाएंगे, जेड को ऊपर उठाएंगे और नेक्स्ट होल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडविल की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने आपको हैंडविल दिखाया है ताकि आपको भी पता चले कि हम कहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये वाई एक्सिस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और वाई एक्सेस को सिलेक्ट करके मैं वाई में ट्रैवल करने वाला हूँ। आपको भी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो इसीलिए मैंने हैंडविल दिखाया आपको। तो अभी हम जाएंगे वाई एक्सिस में दूसरे होल की तरफ। तो मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे होल की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं स्लो स्पीड में जा रहा हूँ, अभी स्पीड बढ़ाया है। तो अभी हम नेक्स्ट होल में जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे अभी कितने में आता है। तो ये होल को चेक करेंगे, अभी हम इस होल में डालेंगे पपेट डायल और डाल के चेक करेंगे हम प्रेशर, देखिए कि हम नज़दीक आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। हमें 0.4 तक भी चल सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 0.2 या फिर 0.1 में आ जाए। तो अभी यहाँ पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, प्रेशर देके मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 0 किया है, हायर पॉइंट खोज रहा हूँ अभी मैं। तो हायर पॉइंट को 0 कर दूँगा और उसके बाद में हम चेक करेंगे पैनल के ऊपर कि हमारा जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना आता है। तो अभी यहाँ पे मैं हायर पॉइंट खोज रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 0.1 आ चुका है दोस्तों। तो ये हमारा डायलिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 0.1 आ चुका है, मतलब हमारा डायलिंग ओके है। अभी हम करेंगे होल का सेंटर निकालेंगे हम, तो इसी डायल से हम क्या करेंगे, होल का सेंटर फाइंड करेंगे। तो होल का सेंटर फाइंड करने के लिए पहले मैंने डाला है होल में हमारी डबल पिन को, तो उसी डबल पिन का हम सेंटर निकालेंगे अभी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, वहाँ का मैं हायर पॉइंट खोज रहा हूँ, जिस तरह से हमने होल का खोजा है उसी तरह से हम डावल का खोजेंगे। तो यहाँ पे मैं डावल का हायर पॉइंट खोज के उसे ज़ीरो करूँगा, पैनल के ऊपर और डायल के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये 0 हो चुका, अभी 0 ये। तो इसी 0 को मैं मशीन के ऊपर भी 0 कर दूँगा, पैनल के ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पैनल पर और उसे कर दूँगा मैं 0। तो 0 इनपुट हो चुका है, अभी जाएंगे हम दूसरी तरफ से। तो अभी मुझे शायद मशीन के अंदर जाना पड़े, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ से, डायल घुमाया है और अभी हम इधर से चेक करेंगे। अभी मैं मशीन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे भी हम इस साइड से हायर पॉइंट लेंगे और हायर पॉइंट को 0 करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 0 तक करेंगे हम हायर पॉइंट। तो अभी ये 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, अभी इसे पैनल पे 0 करेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं पैनल पे भी मैं 0 कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं मशीन के अंदर हूँ, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आ रहा है 40.06, 40.6 आ रहा है ये, तो 40.06 आ रहा है। तो अभी इसका हम हाफ़ करेंगे और हाफ़ करके हम ट्रैवल करेंगे
और उसे एक्स में हम इजी सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ ट्रैवल किया है, आपको मैं अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि हमने कितना ट्रैवल किया है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा ज़ूम करता हूँ मैं और ये 20.03 अभी से ज़ीरो किया है मैंने, बराबर है। तो अभी ये हमारा एक्स का ज़ीरो हो चुका है। अभी सेम प्रोसेस हम वाई के लिए करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया है, हमारा जो पपेट डायल है वो वाई में माइनस साइड में लिया है पहले, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे ज़ीरो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने वाई में प्लस साइड में लिया है पहले, तो अभी ये ज़ीरो हो चुका है। फ्रंट एरिया है, जल्दी ज़ीरो हो जाता है। तो पहले मैं वाई को ज़ीरो करता हूँ और अभी y की मैं दूसरी ओर जाता हूँ और y की दूसरी ओर जाके चेक करता हूँ कि कितने में है। तो अभी ये साइड आ चुका हूँ, डायल घुमाता हूँ। मैं वैसे भी मशीन के अंदर ही हूँ तो मुझे इजीली चेक करते आएगा, मुझे इजीली शूट करते आएगा। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के ये साइड से कैमरा लगाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा कम दिख सकता है इसमें, क्योंकि स्लाइडर के ऊपर बैठ के शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, घुमाता हूँ साथ में शूट भी करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस जा रहा है 0.1। तो अभी थोड़ा और कम करना है हमें, तो कम करके हमें यहाँ पे जीरो लाना है। थोड़ा सा हमारा जो कैमरा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी कितना जा रहा है, 0.5 तक जा रहा है, 0.5। ये और थोड़ा पीछे लेंगे और पीछे लेके और चेक करेंगे। तो अभी ये 0.2 तक गया है, और थोड़ा हम पीछे लेंगे, 0.2 ही दिखा रहा है। और थोड़ा पीछे लेके चेक कर रहा हूँ मैं, तो अभी और पीछे लिया है कितना आता है, सेम दिखाई दे रहा है, 0.2 ही है। और पीछे लेता हूँ और चेक करता हूँ, 0.1 तक आया है। अभी और थोड़ा पीछे, 0.1 ही दिखाई दे रहा है मुझे। और थोड़ा पीछे करता हूँ तो 0.1 ही है यहाँ पे। और अभी और थोड़ा और पीछे प्रेशर ड्रॉप करता हूँ, 0.1 ही दिखाई दे रहा है। और थोड़ा पीछे, 0.1 ही दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा और पीछे करता हूँ, थोड़ा एकदम नॉर्मली पीछे करता हूँ मैं, हैंड व्हील से एकदम कम घुमा रहा हूँ ताकि ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप ना हो जाए। अभी ये ज़ीरो हो चुका है। तो अभी हम मशीन पे रीडिंग चेक करेंगे पैनल के ऊपर। तो रीडिंग कितना आता है, यहाँ से जूम करके देख रहा हूँ मैं, हमारा रीडिंग यहाँ पे वाई में कितना आया है, 40 point something आया था। तो उसे हमने अभी क्या करना है, हाफ़ करना है उसे। तो मैंने डायल ऊपर उठाया है, तो डायल ऊपर उठा के मैं हाफ़ ट्रैवल करूँगा। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, हाफ़ ट्रैवल किया है। तो हाफ़ ट्रैवल करके देखिए मैंने 20.18, मतलब मेरा 40.36 था। तो अभी मैंने इसे इनपुट करना है, तो अभी ये ज़ीरो हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा सेटअप में, और सेटअप में जाके हमारा वर्क ऑप्शन सेट करूँगा, एक्स को ज़ीरो और वाई को ज़ीरो। तो अभी इस तरह से हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एक्स ज़ीरो हो चुका है और वाई ज़ीरो हो चुका है, हमारा वर्क ऑप्शन लेके रेडी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्तों VM CNC का स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।